करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड फाइनेंशियल प्लान, मतलब कि जो हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग का टॉपिक चला हुआ था उसके अंदर हमने जो फाइनेंशियल प्लान बनाए हैं उन प्लान्स के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, उनके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, तब हम उन्हें साउंड फाइनेंशियल प्लान बोलेंगे। तो उनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स दिए गए हैं यहाँ पर। तो सबसे फर्स्ट फीचर है जो वो है सिंप्लिसिटी। जो भी फाइनेंशियल प्लानिंग के अंडर में प्रिपेयर किए जा रहे हैं उनका सिंपल होना जरूरी है, वो सिंपल होने चाहिए ताकि कोई भी पर्सन उनको इजीली अंडरस्टैंड कर सके, उनको समझ सके। इट शुड हैव अ सिंपल कैपिटल स्ट्रक्चर कैपेबल ऑफ बीइंग मैनेज्ड इजीली। जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो सिंपल होना चाहिए ताकि उनको इजीली मैनेज किया जा सके। और जो भी सिक्योरिटीज इशू की जाएंगी फाइनेंशियल प्लानिंग करते टाइम, जो भी सिक्योरिटीज इशू की जाएंगी उनका मिनिमम होना जरूरी है। वो सिक्योरिटीज मिनिमम रखनी चाहिए क्योंकि अगर हम अलग अलग टाइप की कई टाइप की मान लो सिक्योरिटीज इशू कर दी तो इन्वेस्टर्स के ऊपर अननेसेसरी बर्डन होगा। वो यही सोचते रहेंगे कि किस टाइप की सिक्योरिटीज के अंदर हम इन्वेस्ट करें, तो इससे क्या होगा, अननेसेसरी बर्डन क्रिएट हो जाएगा इन्वेस्टर्स के ऊपर जो इफेक्ट करेगा उनको। तो मतलब कि यहाँ पर तीन मेन चीजें हैं। फर्स्ट चीज क्या है कि फाइनेंशियल प्लान इजीली अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए, वो इतने सिंपल हो कि कोई भी पर्सन उनको समझ सके। दूसरा, जो भी कैपिटल स्ट्रक्चर है उसको अभी सिंपल होना जरूरी है ताकि इजीली मैनेज किया जा सके। और जो टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज इशू की जाती हैं वो भी मिनिमम होनी चाहिए ताकि इन्वेस्टर्स के ऊपर बर्डन ना हो, वो अपना माइंड सेट कर सके किसी भी एक पर्टिकुलर सिक्योरिटीज के लिए। सेकेंड करेक्टरिस्टिक्स है फोरसाइट। जो भी फाइनेंशियल प्लान प्रिपेयर किए जाएंगे वो हमारी फ्यूचर नीड्स होंगी जो बिजनेस की, उनको ध्यान में रखते हुए प्रिपेयर किए जाएंगे। थर्ड करेक्टरिस्टिक्स है ऑप्टिमम यूज ऑफ फंड्स। फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर जितने भी प्लान बनाए जाएंगे वो इस तरीके से बनाए जाने चाहिए कि जो फंड्स हैं उनका ऑप्टिमम यूज हो, मतलब ना तो फंड्स ज्यादा हो बिजनेस के अंदर और ना ही कम हो। ऐसे होने चाहिए कि जितने की रिक्वायरमेंट है, जितने की जरूरत है बिजनेस को, उतने फंड होने चाहिए उस टाइम पर। तो इसे बोला गया है ऑप्टिमम यूज ऑफ फंड्स। द बिजनेस शुड नाइदर बी स्टार्व्ड ऑफ फंड नॉर इट हैव सरप्लस और आइडल फंड्स। बिजनेस के पास ना तो कम फंड होना चाहिए कि वो अपनी रिक्वायरमेंट ही पूरी ना कर सके, और ना ही सरप्लस होना चाहिए कि जो कि आइडल फंड्स बचे रहें। जितने ज्यादा इनएडिकेट फंड्स हमारे लिए बैड कंडीशन होती हैं बिजनेस के लिए, वैसे ही अननेसेसरी फंड अगर ज्यादा होंगे तो वो आइडल पड़े रहेंगे तो वो भी उतने ही ज्यादा बैड हैं। तो प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करना होगा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फंड्स के बीच में। तो अगर फंड्स के ऑप्टिमम यूज को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग की गई है तो हम उसे साउंड फाइनेंशियल प्लान बोल सकते हैं। फोर्थ करेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पर फ्लेक्सीबिलिटी, मतलब चेंजेबिलिटी। अ फाइनेंशियल प्लान शुड बी सफिशियंट फ्लेक्सीबल। जो भी प्लान बनाए गए हैं उनका सफिशियंट फ्लेक्सीबल होना जरूरी है। ये भी जो पॉइंट हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमने पहले भी पढ़ चुके हैं बार बार अलग अलग टॉपिक्स में, जैसे कि फाइनेंशियल प्लानिंग के जब प्रोसीजर पढ़ा था तो उसके अंदर भी फ्लेक्सीबिलिटी का टॉपिक था। लास्ट पॉइंट जो लास्ट स्टेप था वो फ्लेक्सीबिलिटी का था कि जो प्लान है वो फ्लेक्सीबल होने चाहिए। जब भी रिक्वायरमेंट हो बिजनेस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, कोई एक्सटर्नल कंडीशंस के अकॉर्डिंग, हम अपने प्लान्स में इजीली चेंज कर सके। लास्ट लाइन है दी फाइनेंशियल प्लान शुड अलो अ स्कोप ऑफ एडजस्टमेंट एज एंड व्हेन न्यू सिचुएशन अराइज लाइक रिसेशन बूम एक्सेट्रा। जब भी इकोनॉमी के अंदर रिसेशन की बूम की इस टाइप की कोई भी कंडीशन होगी या फिर कोई अदर टाइप की जो भी एक्सटर्नल या फिर इंटरनल किसी भी टाइप की कंडीशन हो, जब भी रिक्वायरमेंट हो कि हमें चेंज करना पड़ेगा फाइनेंशियल प्लान में, तो हम उनमें इजीली चेंज कर सके, तो वो इतने फ्लेक्सिबल जरूर होने चाहिए। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है लिक्विडिटी का। लिक्विडिटी इज द एबिलिटी ऑफ एंटरप्राइज टू पे ऑफ डे टू डे एक्सपेंसेस एंड अदर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज ऑन टाइम। लिक्विडिटी मतलब कैश की फॉर्म में अमाउंट। तो जो बिजनेस एंटरप्राइज है उसके पास में सफिशियंट लिक्विडिटी होनी चाहिए ताकि वो अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को, जो भी उसकी शॉर्ट टर्म की लाइबिलिटीज है, उनको टाइमली पे ऑफ कर सके। अगर बिजनेस के पास सफिशियंट लिक्विडिटी है, हमारे प्लान इस टाइप से बनाए गए हैं कि जो लिक्विडिटी है वो सफिशियंट है, जितने की रिक्वायरमेंट है उतनी है, तो इससे क्या होगा, हमारी एंटरप्राइज की गुडविल इंक्रीज होगी, क्रेडिट वर्थिनेस इंक्रीज होगी। सिक्स करेक्टरिस्टिक्स है इकोनॉमिकल। इसको नॉर्मल लैंग्वेज में देखें तो मतलब कि फाइनेंशियल प्लान सस्ते होने चाहिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम आनी चाहिए, इस तरीके से हमें इन्हें प्रिपेयर करना है। सेवेंथ है कंटीजेंसी। कंटीजेंसी को भी
अनसीन इवेंट होते हैं जिनका हमें पता नहीं होता। जो फाइनेंशियल प्लान है उन कंटीजेंसीज को, उन अनसीन इवेंट्स को ध्यान में रखते हुए प्रिपेयर करने चाहिए। अब अगर हम कुछ कंटीजेंसीज के एग्जाम्पल देखें, मान लो आप जिस भी टाइप का प्रोडक्शन कर रहे हो बिजनेस में, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया, आप आगे उसको फर्दर सेल नहीं कर सकते जो भी आप प्रोडक्ट प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये क्या थी? अनसीन इवेंट था, कंटीजेंसी थी, तो आपके फाइनेंशियल प्लान इनको ध्यान में रख के प्रिपेयर होने चाहिए। ऐसे ही जैसे अगर किसी पर्सन ने कोई बिजनेस के ऊपर केस कर दिया तो वो भी अनसीन इवेंट्स था, तो इसके लिए भी फाइनेंशियल प्लान, आपके पास फंड्स की जो रिक्वायरमेंट है वो ध्यान में रख के प्रिपेयर करने होंगे इन कंटीजेंसी से मीट करने के लिए। इसके बाद 8th पॉइंट है एडिक्वेट सिस्टम ऑफ कैपिटल। अ फाइनेंशियल प्लान शुड एस्टेब्लिश एंड मेंटेन अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल। मतलब कि फाइनेंशियल प्लान इस तरीके के होने चाहिए कि आप जो फाइनेंस है उसके ऊपर प्रॉपर कंट्रोल कर सकें। पूरे तरीके से एक ऐसा सिस्टम मेंटेन करना होगा ताकि आप जो भी आपके प्लान है उनके ऊपर आप कंट्रोल कर सकें। 9th है सुटेबल टू दी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अ फाइनेंशियल प्लान शुड बी इन अकॉर्डेंस विद दी साइज एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ दी फर्म। जो भी फाइनेंशियल प्लान प्रिपेयर करे जाएंगे वो ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखते हुए प्रिपेयर किए जाएंगे, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के साइज के अकॉर्डिंग, कौन से प्लान सुटेबल हैं, किस टाइप के सुटेबल हैं, आपका बिजनेस किस टाइप का है, नेचर ऑफ बिजनेस को ध्यान में रखते हुए, तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए ही सुटेबल फाइनेंशियल प्लान प्रिपेयर किए जाएंगे।